एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ग्लो फ्रेश एंड ग्लो फेयर सॉल्यूशन। एंड इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं बता नहीं सकती। कुछ कमेंट तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे दिखा दूँगी, एक दो तीन जितना भी मुझे मिलेगा कमेंट्स में आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूँगी। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट के पैकेजिंग की। मैं आपको दोनों प्रोडक्ट का पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो ये है ग्लो फ्रेश। सो ऐसा दिखता है ग्लो फ्रेश का डब्बा ये, और एक छोटा डब्बा भी आता है, ये बड़ा है। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है सामने में ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक, और यहाँ लिखा हुआ है ग्लो फ्रेश। एंड गाइस, ये दो अलग अलग पैकेजिंग में आता है। ये बड़ा है, ये 200 ग्राम का है, ये छोटा वाला 100 ग्राम का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लो फ्रेश के बारे में बता देती हूँ, और जितने भी लोग नहीं जानते हैं ग्लो फ्रेश क्या है, लाइक इट्स ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक कौन सा ब्रांड है। ये कोलकाता बेस्ड आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल रीजन में। इनके प्रोडक्ट्स कोलकाता के बाहर एंड इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है। मुझे अगर कहीं ऑनलाइन इसका लिंक मिलेगा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड इनका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है आपके लोकल स्टोर्स में या जिस कहीं और आप रहते हो कोलकाता के बाहर और ये परचेज़ करना चाहते हो ये रिव्यू देखने के बाद मेरा, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि कहाँ मिलेगा आपको आपके सिटी में। ये बड़ा वाला डब्बा जो था ये 200 ग्राम का था, और इसका प्राइस है 145 रुपये का है। ये अराउंड 25 डेज आपको ईजीली चल जाएगा अगर आप डेली दो या तीन बार भी लगाओगे तो। ये डस्ट बेस है, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कैसा दिखता है ये। और छोटा वाला जो डब्बा है ये आता है आपका 91 रुपीज़ का, यहाँ पे 91.09 लिखा है 91 रुपीज़ का, लेकिन इसको नॉर्मली इसमें आपको 10% ईजिली डिस्काउंट मिल जाते हैं स्टोर्स में, और बहुत सारी जगह पे इन्हें 15% to 20% भी डिस्काउंट मिलते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से ले रहे हो, मतलब आपको जहाँ आपके पास अवेलेबल है लो आपके पास वाले स्टोर में वो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं इस प्रोडक्ट को 2010 से यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने कभी भी चेंज नहीं किया अपना फेस वॉश। मैं इससे फेस वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि इसमें और एक आता है ग्लो एक्टिव, ये है ग्लो फ्रेश। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है किसी भी चीज़ से फेस वॉश करते ही, तो आपको यूज़ करना है ग्लो एक्टिव। ग्लो एक्टिव को शाइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं और इसके साथ फेयर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। तो ये है ग्लो फ्रेश, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, जिनकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है उनके लिए नहीं है गाइस। अगर आपकी स्किन में बहुत भरती पिंपल है लेकिन पूरा फेस पिंपल भरा हुआ है, रैश है, आप ग्लो फ्रेश बिल्कुल मत यूज़ करना, आप ग्लो एक्टिव यूज़ करना। एक्टिव यूज़ करने के बाद आपके पिंपल्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी है उसके यूज़ से आपकी स्किन की सेंसिटिविटी धीरे 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 कम हो जाएगी, फिर आप ये ग्लो फ्रेश यूज़ कर सकोगे। मैंने पहले एक्टिव यूज़ करना स्टार्ट किया था 2010 जनवरी में, एक्टिव यूज़ किया मैंने, काफ़ी महीने तक एक्टिव यूज़ किया था। मेरी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। सेंसिटिव तो मेरी स्किन अभी भी है लेकिन उतनी ज़्यादा वाली सेंसिटिव नहीं है। और उसके बाद कुछ मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक्टिव यूज़ किया था, और उसके बाद मैं ये ग्लो फ्रेश यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। और ये डेली मैं नॉर्मली 2 या 3 बार इसी से फेस वॉश करती हूँ, सुबह सुबह करती हूँ, और कभी कभी दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो दोपहर में भी करती हूँ, और रात में करके अपना फेस को क्लीन करके सोने से पहले। सो ये प्रोडक्ट एक्चुअली 100% आयुर्वेदिक है। मैं आपको इसका डस्ट निकाल के दिखाऊंगी, ये डस्ट बेस है, इसको आपने पैक की तरह घोलना होता है, लाइक जस्ट फेस पैक हम जैसे घोलते हैं अपना फेस पैक बनाते हैं ना, रोज वाटर या वाटर या कुछ भी चीज़ मिक्स करके, बिल्कुल उस तरीके से आपको जो इसका साथ में सॉल्यूशन है वो इसके साथ मिक्स करना होता है और उसका पेस्ट बनाना होता है। साथ में थोड़ा सा पानी भी मिलाती हूँ मैं, सिर्फ उस सॉल्यूशन से नहीं मिक्स करती हूँ, ये लेती हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, समझ लो 1 स्पून का 60% लेती हूँ मैं, और 1 टीस्पून लेती हूँ इसका सॉल्यूशन मिक्स करती हूँ, और साथ में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स करती हूँ। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकती हूँ, मैं प्लेन वाटर से ही करती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अपने पहले फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ और पैड ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करती हूँ, 15-20 मिनट रखती हूँ, और उसके बाद उससे मैं धीरे 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 करके रब करती हूँ और वॉश करती हूँ। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये फेस वॉश का भी काम करता है, ये फेस पैक का भी काम करता है, बिकॉज आप इसे पैक की तरह अप्लाई करते हो। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो इसको लगाने के बाद एक एडवांटेज ये होता है कि थोड़ा सा एक्सेस ऑयल भी रिमूव कर देता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, एक्सेस ऑयल नहीं है, तो डोंट वरी, ये
आपकी स्किन से खींच के सारा ऑयल निकाल दे वैसा नहीं करेगा, एक्सेस है वही रिमूव करेगा, एक्सेस नहीं है तो अंदर से आपके ऑयल्स को निकाल के मतलब नहीं निकालता, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। और इसके अंदर में जैसा मैंने बोला कि फाइन ग्रैन्यूल्स जैसे छोटे छोटे कुछ है वो स्क्रबिंग का भी काम करते हैं। फेस जब आपका पैक सूख जाए तो आप उसे हल्का हल्का गीला कर लो और धीरे 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 करके स्क्रब करो सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद पानी से वॉश कर लो। सो गाइस मैं एक बार आपके लिए इसमें पीछे पढ़ देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके जो बेनिफिट्स है, जो क्या ये प्रोडक्ट क्लेम करता है और ये प्रोडक्ट कितना अपने क्लेम को पूरा करता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ बिकॉज मैं 9 ईयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका क्या क्लेम किया है इस प्रोडक्ट ने, वो लिखा है इट हेल्प्स टू लाइटन स्किन ब्लेमिशेस, कीप्स फेस एंड बॉडी स्मूथ एंड ग्लोइंग, डू नॉट अप्लाई ऑन पिम्पल, ये भी लिखा हुआ है। तो इसका अपने पूरे क्लेम को पूरा करता है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। इसके रेगुलर यूज़ से अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, आप इसको दिन में 3 बार एकदम से यूज़ करो, 1 वीक तक आप 3 बार बिल्कुल एक बार भी आप कम नहीं करोगे। आप अगर ऐसे करके पूरा 7 डेज तक 3 बार यूज़ करते हो, आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके जो टैनिंग है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, आपको खुद फील होगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको आपकी स्किन के ऊपर एक अलग से ग्लो दिखाई देगा, ट्रस्ट मी। और लेकिन वो ग्लो कुछ देर बाद चला जाएगा, फिर जब आप इसे रेगुलर यूज़ करने लगोगे तो आपका जो ग्लो है आपके फेस पे वो स्टे भी करने लगेगा। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम के यूज़ से ग्लो स्टे नहीं करेगा, आएगा ग्लो चला जाएगा आपको, लेकिन फील होगा कि प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है। इसके रेगुलर यूज़ से टैनिंग कम हो जाएगी, अगर आपके फेस पे पिंपल और ब्लेमिशेस के कुछ मार्क्स है, और स्पेशली अगर कुछ नया नया ये मार्क और नई नई टैनिंग हुई है तो बहुत जल्दी खत्म कम हो जाएगा, बट अगर बहुत पुराना है तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ले लेगा। और इसके साथ मैं अगर बोलूँगी अगर बहुत ज़्यादा टैन और बहुत ज़्यादा कभी पिंपल हुआ है और उसके बहुत मार्क आपके फेस पे हो गए हैं तो आप सॉफ्ट पैक मास्क यूज़ कर सकते हो। मेरे चैनल पे मैंने इतनी बार उसकी तारीफ़ की है कि पूछो मत, मैंने उसका रिव्यू भी किया है मेरे चैनल पे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उस वीडियो को। और एक बात गाइस, इसके साथ आपको किसी तरीके का कोई फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो आप कोई भी फेस वॉश अगर यूज़ कर रहे हैं जो झाग देता है आप उसे आज ही यूज़ करना बंद कर दो, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है कोई भी चीज़ इसके साथ में। तो आप अगर इसे यूज़ करते हो एज फेस वॉश, आप सिर्फ यही यूज़ करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, अब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको रिजल्ट 1 वीक के बाद मिल जाएगा। आप खुद कॉमेंट में आकर के मुझे बोलोगे कि मैंने आपको अच्छी चीज़ रेकमेंड की है, ये 100% आयुर्वेदिक है, सेफ है, इसके प्रॉपर यूज़ से टैनिंग ब्लेमिशेस हर चीज़ धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो भी आने लगेगा। दिस इज़ रियली अमेजिंग। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट अंदर से दिखता कैसा है। ये तो हो गई ग्लो फ्रेश की बात, अब बात करते हैं ग्लो फेयर सॉल्यूशन की जो इसके साथ मिक्स करने का है। आप अगर चाहो तो फ्रेश को सादा पानी से भी यूज़ कर सकते हो घोल के, थोड़े से दही के साथ घोल के भी यूज़ कर सकते हो, दही भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं पहले एक्चुअली खुद इसे दही के साथ या ऐसे यूज़ करती थी, बिकॉज उसके साथ नहीं करती थी, ऐसे ही मेरी आदत नहीं थी, बट जब से मैंने इसके साथ यूज़ करना स्टार्ट किया है मुझे एक अलग ही रिजल्ट फील हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन और दाने दाने के दाग की प्रॉब्लम थी, वो बहुत हद तक बहुत जल्दी चली गई थी। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इसका सोल्यूशन के साथ ही यूज़ करो, और अगर साथ में यूज़ करोगे तो जो रिज़ल्ट आपको सिर्फ फ्रेश यूज़ करने से मिलेगा, इसको यूज़ करने से आपको रिज़ल्ट ट्रिप डबल नहीं उससे भी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ग्लो फेयर सॉल्यूशन जो है, पहले ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता था, ये जो है पुरानी पैकेजिंग है, हो सकता है आप मार्केट में लेने जाओ तो आपको इसी पैकेजिंग में मिले। अब मैं आपको उसकी नई पैकेजिंग दिखा देती हूँ। नई पैकेजिंग में मेरे पास दो है, दोनों डिफरेंट टाइप की बॉटल है, एक ट्रांसलूसेंट सी बॉटल है और एक बिल्कुल ट्रांसलूसेंट नहीं है। तो पहले दिखाती हूँ जो लास्ट मंथ मैंने जब लिया था मार्केट से तो मुझे ऐसी बॉटल रिसीव हुई थी। सो गाइस ये मुझे लास्ट मंथ मिला था और अभी जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, ऐसी बॉटल है, ये ट्रांसलूसेंट बिल्कुल नहीं है, प्योर वाइट है, और इसका कैप ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, और ये आप ऐसे भी खोल सकते हो और किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हो। काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है ये। एज यू कैन सी सामने में लिखा हुआ है ग्लैमर वर्ल्ड आयुर्वेदिक और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लो फेयर सॉल्यूशन। सो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये आता है 200 ml, ये बॉटल 200 ml की आती है, इसका MRP है 280 rupees। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर लगता है सुनने में बिकॉज प्राइस बहुत सस्ता है 145 का, बट टोटली वर्थ इट है, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं सिर्फ फ्रेश की बात करूँ, जितनी भी तारीफ मैंने अभी फ्रेश की थी, जितना भी मैंने अच्छा बताया था, वो फ्रेश अकेला काम नहीं कर सकता है, आपको उसके साथ ये फेयर सॉल्यूशन मिक्स करना ही होगा,
फ्रेश अकेला जितना अच्छा है, फेयर सोल्यूशन उसका डबल है आपके स्किन के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो। जितना भी मैंने बोला, टैनिंग कम हो जाएगी, ब्लेमिशेस चले जाएंगे और ये वो, अगर आपको ये सारे रिजल्ट चाहिए तो आपको फ्रेश के साथ फेयर सोल्यूशन मिक्स करना ही होगा, इसलिए नॉर्मली लोग साथ में ही खरीदते हैं। इसका प्राइस मैंने बता दिया और शायद मैं एक चीज़ फ्रेश के बारे में भी बोलना भूल गई थी, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 24 मंथ्स यानी 2 साल, और फेयर सोल्यूशन जो है इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स 36 मंथ्स। इसको आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हो, उसको आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से। और इससे बात करूँ, गर्मियों में इसे यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। एंड एक बात की, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए ये वाला, बिकॉज मैं एक साथ 2 प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा है गर्मियों में, स्पेशली अगर आप फ्रेश में मिक्स करके इसे यूज़ करते हो ना तो बहुत ठंडा ठंडा जैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में। लास्ट में मैं बोलूँ तो फ्रेश जो है वो इंडिविजुअली उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाता है अपने फेस के ऊपर, इससे मिलाने के बाद अगर फ्रेश और फेयर सोल्यूशन दोनों मिक्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ना ही फ्रेश अकेला बहुत अच्छा काम करता है, ना ही ये फेयर सोल्यूशन अकेला बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप सोचो कि फेयर सोल्यूशन ले लो मुल्तानी मिट्टी में या किसी में मिला के यूज़ कर लो, तो नहीं, आप उसे वैसे भी यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही अच्छा काम करते हैं, बिकॉज जो फाइन ग्रैन्यूल्स और जितनी भी जड़ और जो भी मैंने आपको दिखाया वो सब कुछ फ्रेश के अंदर में है। और फेयर सोल्यूशन जो है ये बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के असर है इसके अंदर में। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।